हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम टॉपिक ले रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होती है जिससे प्लांट अपना खाना बनाते हैं। जरा अगर आप वर्ड पे ध्यान दें तो यहाँ पे दो वर्ड दिखेंगे आपको, एक वर्ड है फोटो और एक वर्ड है हमारे पास सिंथेसिस। ठीक है ना, तो जो फोटो होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज को प्रिपेयर करना, किसी चीज को प्रिपेयर करना। तो यहाँ पे लाइट दिख रही है और प्रिपेयर दिख रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम कुछ चीज प्रिपेयर करने वाले हैं, और जब हम कुछ चीज प्रिपेयर करेंगे तो हमें उसके लिए लाइट रिक्वायर्ड होगी। तो वर्ड से तो ये समझ में आ रहा है फोटोसिंथेसिस, यानी ये सिंथेसिस का मतलब है कुछ चीज बनाना है हमें, और जब कुछ चीज बनाएंगे तो उसके लिए हमें लाइट तो रिक्वायर्ड है। ठीक है ना, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं, तो जब अपना वो खाना बनाते हैं तो दो चीजें वो बाहर से लेते हैं। हमें ये पता है कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स, यानी वो अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन जब अपना खाना खुद बना रहे हैं तो वो खाना बनाने के लिए कुछ चीजें बाहर से लेनी पड़ेंगी, तो ही तो खाना बनेगा ना। तो क्या करते हैं, वो दो चीजें बाहर से लेते हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, दो चीजें वो बाहर से लेते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिलाओगे तो खाना बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ दो चीजें और रिक्वायर्ड रहती हैं। एक चीज तो क्या रिक्वायर्ड रहती है, एक तो लाइट, यानी कि सनलाइट रिक्वायर्ड रहती है। लाइट कहां से मिलेगी, बल्ब से तो नहीं मिलेगी उनको, तो सनलाइट रिक्वायर्ड रहती है, सूरज की रोशनी। तो तीन चीजें होंगी, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, और एक तीसरी चीज होती है लाइट, और एक चौथी चीज होती है वो होती है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्यों रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि जो भी लाइट है, जो भी सनलाइट से लाइट आ रही है, उस लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमें एक चीज चाहिए, ने? उस लाइट को रोक के रखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए एक चीज चाहिए, और वो चीज होता है क्लोरोफिल। अगर आप देखो तो क्लोरोफिल मिलता है वहां पे, एक बार समझ लो ध्यान से, जैसे आपके पास प्लांट है, ठीक है ना, तो प्लांट्स के अंदर मान लो लीव्स है, ठीक है, ध्यान से बात करना, प्लांट्स के अंदर क्या है, लीव्स है, और अगर लीव्स में आप झांक के देखोगे तो प्लांट की क्या मिलेंगे आपको, सेल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, प्लांट सेल्स मिलेंगे। तो आपके पास प्लांट है, तो प्लांट के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल, प्लांट है, प्लांट में आपने जूम करके देखा तो आपको उसमें देखा प्लांट सेल। अब आप जब सेल में भी आप जूम करके देखोगे तो आपको एक सब्सटेंस दिखेगा और वो होता है क्लोरोप्लास्ट, क्या दिखेगा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। तो क्लोरोप्लास्ट एक ग्रीन कलर का मटेरियल दिखेगा आपको प्लांट सेल के अंदर, और जब आप क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखोगे तो आपको एक चीज मिलेगी और वो होती है क्लोरोफिल, ठीक है ना। तो प्लांट, प्लांट के अंदर होता है प्लांट सेल, ठीक है ना, प्लांट को जूम करके देखेंगे तो प्लांट सेल, भाई एनिमल है, एनिमल को जूम करके देखोगे तो क्या दिखेगा, एनिमल सेल दिखेगा। तो प्लांट है, प्लांट किससे बना होगा, प्लांट सेल से, और जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, एक सब्सटेंस होता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल काम क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, बस ये याद रखेंगे, क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ये कुछ लिखना नहीं है, बस समझ लो, ठीक है ना। तो प्लांट है, प्लांट में प्लांट सेल है, प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल क्या काम करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। अब वो एब्जॉर्ब क्यों कर रहा है आगे हम देखेंगे, ठीक है ना। तो अब यहां से वापस से आते हैं प्रोसेस पे, तो फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि लाइट की प्रेजेंस में कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो लाइट की प्रेजेंस में जो फूड प्रिपेयर करते हैं उसी को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो लाइट तो चाहिए, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी चाहिए, और उसके साथ क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल क्यों चाहिए, क्योंकि जितनी भी लाइट आ रही है अब आप उसको स्टोर करके एब्जॉर्ब करके कहां रखोगे, तो एब्जॉर्ब करने के लिए आपको चाहिए क्लोरोफिल, और यहाँ पे रही सनलाइट, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चाहिए। तो ये सबसे मिलकर क्या बन जाता है, प्लांट का फूड बन जाता है। जरा आप देखिए रिएक्शन के में कैसे लिखा जाएगा। तो हमारे पास पहली चीज क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। CO2 कहां से आती है, ह्यूमंस और एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। हमने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां तक पहुंच गई, प्लांट्स तक पहुंच गई, और साथ में है पानी, तो पानी प्लांट को बाहर से मिल जाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड अपन से मिल गई, पानी अपन को एटमॉस्फेयर से तो मिल ही जाता है। उसके बाद क्या करना है कि दो चीजें रिक्वायर्ड है, देखो ये दो में से कुछ एक भी एब्सेंट होगा तो काम नहीं होगा। पहली चीज क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए, ठीक है, पहली चीज आपको चाहिए सनलाइट। अब इस सनलाइट को रोक के रखने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए एक चीज चाहिए, और वो चीज है आपके पास क्लोरोफिल। मान लो आपके पास सनलाइट है और क्लोरोफिल नहीं है, सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है और पानी है, ये तीनों चीजें हैं, लेकिन क्लोरोफिल नहीं है तो भी खाना नहीं बन पाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल क्या करेगा, सनलाइट को एब्जॉर्ब करके रखेगा। तो जब हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में बनेगा खाना, प्लांट अपना खाना बनाएगा, और खाना जो बनाता है वो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। किसके फॉर्म में बनता है, ग्लूकोज के फॉर्म में, याद रखना। हमारी बॉडी में भी जो खाना ब्रेक हो जाता है बाद में, वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, इट इज C6H12O6। तो ये खाना बनता है, और ये क्या है आपका, ग्लूकोज, यही इसका खाना आएगा, ये जो ग्लूकोज है यही उसका फूड है। और खाने के बाद कुछ वेस्ट चीज बनती है, और जो वेस्ट चीज होती है वो होती है ऑक्सीजन गैस, ठीक है ना, जिसे हम खाना खाते हैं। तो हम खाना खाते हैं
तो खाना खा के हमें एनर्जी मिलती है, प्लस उसमें कुछ बाय प्रोडक्ट भी निकलते हैं ना, कुछ वेस्ट भी निकलता है हमारा। इसी तरह जब प्लांट्स खाना बना रहे हैं तो ये खाना है उसका मेन ग्लूकोज, लेकिन उसके बाद कुछ वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है और वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका ऑक्सीजन होता है, और वही ऑक्सीजन फिर हम यूज करते हैं। तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन कोई काम का नहीं होता, वो तो वेस्ट होता है, लेकिन हमारे लिए वो यूजफुल होता है। तो ये प्रोसेस होती है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें पानी चाहिए, इन दोनों की, और इसके साथ हमें सनलाइट और क्लोरोफिल चाहिए। इन चारों की प्रेजेंस में हमारे पास बनता है खाना। ये खाना है हमारे पास ग्लूकोज और साथ में ये कार्बन ऑक्सीजन जो कि एक वेस्ट गैस की तरह होती है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस कितनी स्टेप्स में होती है। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं हम फोटोसिंथेसिस की स्टेप्स। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो जो प्रोसेस है वो तीन स्टेप्स के अंदर होता रहेगा। पहले तो यहाँ पे स्टेप्स नोट कर लेते हैं और अपन उसको फिर डिटेल में समझेंगे। तो आपको पहले फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन लिखनी है, फिर वो केमिकल रिएक्शन बताना है, और उसके बाद यहाँ पे तीन स्टेप्स जो होती है वो मेंशन करनी है। देखो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो लाइट एनर्जी होती है वो आती है कहाँ से, सनलाइट से। तो यहाँ आपके पास प्लांट है और यहाँ आपके पास सनलाइट है, तो सन से सनलाइट आती है और वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है, ग्रीन प्लांट की लीव्स के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, तो वो लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रख लेता है। तो अब किसके पास, क्लोरोफिल के पास लाइट एनर्जी, आप ऐसा सोच लो क्लोरोफिल के पास लाइट एनर्जी स्टोर होगी, ऐसा समझ लो, है ना। अब वो लाइट एनर्जी का यूज क्या होता है कि वो लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और उस केमिकल एनर्जी से क्या होगा कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो ब्रेक होंगे। सेकंड स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, लाइट आई और लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्लोरोफिल ने और रोक के रखाएगा, खत्म हो गई पहली स्टेप। दूसरी स्टेप, आपके पास जो लाइट एनर्जी है, किसके पास है लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल के पास। अब वो जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। केमिकल एनर्जी में चेंज होने का मतलब क्या है कि इस लाइट एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन करवा दिया जाएगा, समझ रहे हो, लाइट एनर्जी से हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, अभी हम देखेंगे क्या हो रहा है, लेकिन लाइट एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे, यानी लाइट एनर्जी चेंज होगी केमिकल एनर्जी में। तो जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो उसमें क्या करेंगे, हम जो पानी का मॉलिक्यूल से उसको ब्रेक करेंगे हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं कि पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन के अंदर। थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड थी जो हमने बाहर से ली, सॉरी प्लांट ने जो बाहर से ली है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का होगा रिडक्शन और उससे बन जाएगा ग्लूकोज। तो ये तीन स्टेप्स हैं, इसको आप नोट कर लेना और मैं समझाता हूँ डिटेल में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप कि लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल से, ध्यान सुनना आप, देखो जैसे मान लो यहाँ अब कुछ वक्त लिखना, यहाँ पे हमारे पास है सन और सन से आ रही है हमारे पास क्या, ये जो सन है इससे आ रही है हमारे पास सनलाइट, और यहाँ पे हमारे पास बैठा है प्लांट, ठीक है ना, और प्लांट के अंदर होगी लीव्स और लीव के अंदर होगा हमारे पास क्या, बोलो क्या होगा हमारे पास, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो ये क्लोरोफिल क्या करेगा, इस सनलाइट को, या आप इसको बोल सकते हो लाइट एनर्जी, सनलाइट को आप क्या बोल सकते हो, लाइट के फॉर्म में जो एनर्जी आ रही है उसको क्या बोल सकते हो, लाइट एनर्जी। तो ये सनलाइट को या लाइट एनर्जी को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करके रोक के रख लेगा। तो ये थी आपकी स्टेप नंबर वन, सन से लाइट आई, उसको बोला अपन ने कौन सी लाइट, सनलाइट, वो सनलाइट को प्लांट ने एब्जॉर्ब करके रखा, प्लांट ने भी नहीं बल्कि प्लांट के अंदर एक कंपोनेंट है जिसको हम बोल रहे हैं क्लोरोफिल, उसने एब्जॉर्ब करके रख लिया है। अब उसके पास कौन सी एनर्जी है, अब ध्यान से देखो, जब उसने लाइट को एब्जॉर्ब करके रख लिया है तो उसके पास एनर्जी है और वो एनर्जी है उसके पास लाइट एनर्जी। अब हमें ये देखना है कि वो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कहां करने वाला है। तो ये थी फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप स्टार्ट करेंगे और वो स्टार्ट होगी आपकी क्लोरोफिल से, ध्यान से सुनने वाले को। तो फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी आ चुकी है आपके पास और क्लोरोफिल ने उसको रोक के रखा है। तो ये है आपके पास क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोफिल ने अपने पास क्या एब्जॉर्ब करके रखी है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके रखा हुआ है। अब ये जो लाइट एनर्जी है ये क्या करेगी, यहाँ पे ये केमिकल एनर्जी में चेंज होगी। केमिकल एनर्जी में चेंज क्यों बोलना है, देखो ध्यान से क्या होता है हमारे पास, हमें पता है जब हम फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दो मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड रहते हैं फोटोसिंथेसिस के अंदर, जिससे हमारा खाना बनता है। अगर आप फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद करो तो हमारे पास एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक दूसरी चीज क्या होती है, पानी होता है, यही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे दो चीजें। तो ये जो वाटर है इसको देखो ध्यान से, अभी कार्बन डाइऑक्साइड को भूल जाओ, और ये जो वाटर है यानी H2O इसको देखो, ये क्या है हमारा पानी। तो ये जो पानी होता है ये ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, जो लाइट एनर्जी है इसी की मदद से ये पानी ब्रेक हो जाता है दो पार्ट में, एक होता है हाइड्रोजन और एक होता है हमारे पास ऑक्सीजन। यहाँ तक क्लियर है, ये जो लाइट एनर्जी है इसी की मदद से केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन ही तो है, देखो ये केमिकल रिएक्शन ही है। तो यहाँ पे जो पानी है ये क्या है आपका पानी, ये जो वाटर है ये वाटर का मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहा है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है ये तो आपका वेस्ट देगा, प्लांट के लिए क्या है वेस्ट, तो ये बाहर निकल जाएगा। ऑक्सीजन जो है प्लांट के लिए वेस्ट होता है और ये बाहर निकल जाएगा। अब सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, हाइड्रोजन। यहाँ पे समझ में आ गया, तो फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है, सेकेंड स्टेप में वही लाइट एनर्जी का यूज करके हम पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। एनर्जी थी, पानी के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, पानी में कौन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया, तो ऑक्सीजन को निकाल के प्लांट ने बाहर फेंक दिया, लेकिन अभी हाइड्रोजन काम पे है तो हाइड्रोजन को अपन रोक के रखते हैं। अब आती है स्टेप नंबर थ्री। तो अगर आप स्टेप नंबर थ्री को देखना है तो पहले फिर से आप केमिकल रिएक्शन देख लो। तो केमिकल रिएक्शन क्या है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमें पानी चाहिए, हमें क्या चाहिए, और हमें यहाँ पे सनलाइट चाहिए, और हमें क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए। तो ये चार चीजें चाहिए होती हैं। हमारे पास फिर बन जाता है ग्लूकोज C6H12O6 और साथ में O2। अब जरा इस रिएक्शन को देखो और देखो क्या क्या यूज कर चुके हैं। तो हमने फर्स्ट स्टेप में सनलाइट को एब्जॉर्ब करवा लिया क्लोरोफिल से, यानी जो एरो वाला प्रोसेस है ये हो चुका है, हमने सनलाइट को एब्जॉर्ब करवा लिया था क्लोरोफिल से, ये हुई थी स्टेप नंबर वन। दूसरी प्रोसेस में हमने क्या करा था, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है इसको ब्रेक करा था। तो जब ब्रेक करा था तो हमारे पास दो चीज आई थी, एक हाइड्रोजन आई थी और एक ऑक्सीजन आई थी। वो ऑक्सीजन आपको यहाँ दिख रहा है, ये जो ऑक्सीजन है ना यहाँ दिख रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन तो वहां जा चुका है। अब यहाँ पे एक चीज बच रही है, देखो ध्यान से, एक चीज क्या बच रही है, हाइड्रोजन यहाँ पे बच रही है और एक चीज यहाँ से क्या बच रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से हाइड्रोजन मिलेंगे और अब कुछ बनेगा और वो बनता है आपका ग्लूकोज, वो बनता है आपका ग्लूकोज, समझ रहे हो। यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कंबाइन करता है यहाँ पे जो हाइड्रोजन बचा हुआ है उसके साथ और यहाँ पे आपका फॉर्म होता है ग्लूकोज। अगर आपको पता हो कि हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। हाइड्रोजन का जो एडिशन होता है उसको बोलते हैं रिडक्शन। हाइड्रोजन निकल जाए तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन आ जाए तो रिडक्शन। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन आ रहा है, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, तो ये प्रोसेस होती है रिडक्शन। फिर से तीन स्टेप्स रिकॉल करते हैं। फर्स्ट स्टेप में लाइट एनर्जी अब्सॉर्ब हो रही है क्लोरोफिल से, सेकेंड स्टेप में वही लाइट एनर्जी का यूज करके पानी के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं, थर्ड स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो। देखो कार्बन डाइऑक्साइड में पहले हाइड्रोजन नहीं था, आपने यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दिया, देखो यहाँ पे CO2 ऐसी है और वो है, यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, इसलिए ये रिडक्शन। तो ये थी तीन स्टेप्स फोटोसिंथेसिस की।